બુઆ કા જા રહી હે બધું બુઆ બોલતે हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैंने सुबह उठते में सबसे पहला काम यही किया है कि मैं टक से नहा लेती हूँ, नहा के पूजा करने भी जाती हूँ। तो 9 बजे मैं कंप्लीट रेडी हूँ, अभी पूजा करती हूँ। मुझे 1 से 1.5 घंटा कुछ पूजा करने में लगा, 10:30 तक तो मैं पूजा करके फ्री हो जाऊँगी। अब उसी के साथ फिर शॉप पे भी जल्दी जाना, हो सकता है मैं जल्दी भी फ्री हो जाऊँ। तो जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो जल्दी चली जाऊँगी। मम्मी को पहले पूछ लेती हूँ कि खाना क्या बनाना है, क्योंकि अब भाई जी आ रहे हैं, इसलिए काम वाली का कोई टेंशन नहीं है। आते हैं उस टाइम पे बहुत यानी रहता है ना, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, आई नहीं है, काम करें या ना करें, बस वो चीज़ है। पर उससे पूछ लिया है, कन्फर्म ले आ रही है। तो फिर अभी पूजा हो रही है और सबसे पहले तो कान्हा जी के मैंने कपड़े चेंज किए हैं, कान्हा जी की पूजा हो गई है। अब माता जी सब भगवान की तस्वीरें साफ करके तिलक लगाए वापस से, अब माता जी के भी तिलक लगा रही हूँ। फिर 10:30 बजे मेरी पूजा हो गई है, अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। खाने में क्या बनाऊँ यार, बारिश भी इतनी दम दमा दम आ रही है, यहाँ पे तो कम दिख रही है, बाहर ज़्यादा बारिश भी फुल चल रही है और ठंडा हो गया है मौसम। बल्ब चेंज कर दिया है, किचन के इधर साइड बल्ब लगा दिया, ट्यूबलाइट उड़ गई थी इसलिए। जब खाने में दाल चावल रोटी बना देते हैं, क्योंकि कल मैं सब्ज़ी लेने तो गई थी पर कुछ भी लिक्विड सब्ज़ी बने ऐसा कुछ नहीं है। भिंडी है, टिंडूरी है, दाल फ्राई हो गई है, आटा बांध के रख दिया, चावल भिगा दिए हैं और फिक्स 11 बजे मेरा ये सारा काम हो गया है। चलो जल्दी ये दाल की सिटी आ जाए दो और फिर रोटी बना देती हूँ, एक तरफ चावल रख दूँगी। चिकू के लिए तो खाना लगा दिया है, खाना कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे लिए और मम्मी के लिए भर्ती खाना, खाना भी जल्दी बन गया था पर बारिश की वजह से भाई जी आ नहीं पा रही है काम करने के लिए। तो अभी मम्मी झाड़ू लगा रहे हैं, तब तक मैं सबके लिए खाना भर देती हूँ, खाना खिला देती हूँ। लाओ मैं वो लगाड़ो अभी, हाँ रहे तो तुम्हारा हाथ दुखी क्यों होगा। झाड़ू लग गया है घर में, अब मैं भी खाना खाने बैठ गई हूँ। आज जल्दी फ्री हो गई थी पर उल्टा वही काम हो गया कि भाई जी आ नहीं पाए, आ रहे थे पर आ नहीं पाए वो बारिश की वजह से। पर कोई नहीं, सबकी सिचुएशंस होती है। तो ये खाना लेके बैठ गई, प्याज रोटी चावल। मैं शॉप पे जा रही थी फिर इतने में पता चला कि बुआ आए हुए हैं और बुआ कल परसों जा रहे हैं कुवैत। तो मम्मी की और मेरे राखी भेजनी है कुवैत, क्योंकि विक्कू भी कुवैत है और मामा भी सारे कुवैती हैं। तो मम्मी और मेरे दोनों की राखी भेजनी है, तो अभी राखियाँ पैक कर देती हूँ और फिर मिठाइयाँ भी लानी है। तो चुकू को बोलती हूँ मिठाई ले आएंगे, मिठाई और राखी दोनों ले आई हूँ। ये मिठाई और ये राखी, इसको पैक कर देती हूँ पॉलीथीन में और फिर भेज देती हूँ बुआ के साथ विक्को के लिए। विक्को अगर व्लॉग देख रहा है तो बांध देना सबको राखी, और देखो बहुत याद किया राखी पे। विक्को का पार्सल तैयार, बुआ को दे देती हूँ अभी पार्सल। ओ ये क्या बांध के घूम रही है, ओ तू क्या कर रही है यहाँ पे, क्या कर रही है। क्रम से खड़े रहो। क्रम ये लाभी ये वैसे क्या क्रम यानी उम्र के क्रम से सब नानी मो देखूंगा ये मो हां हां बेटा आ जाओ आपके भी फोटो खींचते क्या हुआ। हां बेटा कई ने गमला में ले जावन कुए थाते। हां सुरसिले वो लंबे जो सबसे। हां अबे अबे मोर अबे बुआ ना गया बदो एम घुमा एम करो सब जा रेल चलाओ तुम किन मत आगे साथ में लोग लो चलो चप्पल सीधे पहने उल्टे पहने। हां बुआ इधर देखो कंप्लीट पिक्चर परफेक्ट। वाह बुआ ध्यान से जाना। राखी देने का कार्यक्रम हो गया है, अब जाती हूँ शॉप पे। 1:30 बज गई आज की भी, इतनी हरियाली हो गई मस्त। बुआ ने इनके फोटो भी इसीलिए खींचे, बाहर मस्त हरियाली है तो बहुत अच्छे फोटो आएंगे। डिटॉक्सिफाइंग लॉरियल। आज शॉप पे नेहा और भावना दोनों जने सीख रहे हैं हेयर स्पा। सो आज हेयर स्पा का सेशन है। नहीं रोशनी तो आई नहीं है क्योंकि रोशनी अभी थोड़ी बाहर गई है। हेयर स्पा का जो है वो प्रैक्टिकल है, हेयर वॉश होंगे अभी बाल। Sunshine on my shoulders.
स्कल्प की हो रही है क्लीनिंग, अभी हेयर स्क्रब की हेयर स्क्रब की सहायता से पूरी स्कल्प है वो अच्छे से क्लीन हो रही है, जो भी डर्ट है वो सारा निकल जाएगा और ताकि इससे ग्रोथ है वो अच्छे से प्रमोट हो पाए और डैंड्रफ भी निकल जाए अच्छे से। एक बार तो बालों में हेयर स्पा क्रीम लग चुकी है, अभी हेयर को अच्छे से स्ट्रीमिंग हो रही है हेयर की, तो अच्छे से एक बार स्ट्रीमिंग हो जाए फिर हेयर मसाज आज लेंगे इनसे, हेड मसाज लेंगे, हेयर मसाज तो होगा। हेयर स्पा हो चुका है और इन दोनों ने सीख भी लिया है, अच्छे से सिखा के सर, यानी समझ में आ गया पूरा? हाँ बहुत अच्छे से। तो हेयर स्पा भी हो गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, बालों पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो गए बाल और काफ़ी मैनेजेबल लग रहे हैं। और टाइम भी 5 बज चुकी है, पूरा दिन आज यही हो गया है और बारिश की वजह से अभी कोई कस्टमर भी नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, अभी थोड़ी बारिश हुई है कम, और अभी बाहर जाके मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, पूरा दिन फुल बारिश हुई है। नॉन स्टॉप बारिश गिर रही है, सुबह से बारिश ही बारिश है, बाहर दोपहर तक गीला गीला, बेचारे किसी कस्टमर को आना हो तो भी कैसे आएगा, बारिश इतनी है, रुकी नहीं है बारिश, बारिश रुक गई है। और अब चिकू को भी बुला दिया है मैंने लेने के लिए, और घर पे आज सुबह जब रोटियां बना रही थी तब किचन टॉवल ख़त्म हो गए थे तो ले लेती हूँ क्योंकि टिश्यू चाहिए किचन में, रोटी बनाते हैं तो नीचे रखने होते हैं ना, तो आज सुबह नहीं थे तो फिर हैंड वाला टिश्यू यूज़ किया था। पूरा दिन बारिश होने के बाद क्या ग्रीनरी हो गई है देखो आप, और ये छोटे छोटे पौधे भी बड़े बड़े हो गए, ये वाला तो बहुत बढ़ता है, क्या पता कौन सी बेल है इतनी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। अभी तो थोड़ी नीचे से छाट दी थी मम्मी ने क्योंकि कहीं जानवर रहे तो भी पता नहीं चले इसके नीचे, अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसको बांधते रहेंगे तो इतना नीचे नहीं फैलेगा, ऊपर की तरफ फैलेगा। आके खाना बनाने की तैयारी क्योंकि मुझे भूख लग गई है इसलिए, और वैसे भी अभी तो कल की टिंडूरी कटी हुई थी तो अभी फ्राई कर देते हैं, और लहसुन इधर साइड छिलने के लिए मैं मम्मी दोनों बैठ रहे हैं, और कल है रांधन छठ, कल हम खाना बनाएंगे और परसों का दिन हम पूरा दिन ठंडा खाना ही खाने वाले हैं, तो कल बहुत सारा खाना बनाना है, तो कल के व्लॉग में तो और आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि कल के व्लॉग में बहुत सारा खाना बनेगा और दूसरे दिन ठंडा ही खाना खाना है। शीतला माता का व्रत होता है ये, इसमें क्या होता है ना पूरे दिन ठंडा ही खाना खाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता है, तो कल के व्लॉग में और बताएंगे इसके बारे में। अभी तो ये बैठ के लहसुन छिल रही हूँ, लहसुन छिल लेती हूँ और सब्जियाँ जो भी है वो थोड़ी बहुत काट देते हैं क्योंकि कल टाइम मिले नहीं मिले, आज मिल गया कर ले। टिंडूरी की सब्जी और पराठे, सब्जी काटी थोड़ी सी, मम्मी ने लहसुन छिल के रख दिया और थोड़ा लहसुन मैंने छिला, फिर मम्मी ने छिला, फिर केकड़े थे केकड़े मैंने छिल दिए, फिर धो के भी रख दिए, तो कटिंग कर लेंगे, टाइम मिला तो टाइम का यूज़ कर लेते क्योंकि कल अब क्या पता सब्जी काटने का टाइम मिले कि नहीं मिले, कल हो सकता है मैं शॉप पे बिजी हूँ, बहुत सारे काम रह सकते हैं, मैंने कहा आज टाइम था तो क्यों ना कर ही डाले। टिंडूरी मस्त क्रंची क्रंची बनी है क्योंकि आज बहुत टाइम तक टिंडूरी पकाई, लगभग 2 घंटे तक टिंडूरी पकाई है। खाना हो चुका है और अब मैं आ गई स्टैंड साफ करने के लिए, आज काम बढ़ गया है। हाँ लाई चिकू केक लाए थे, वो वाला तो मैंने खा लिया है ना, मुझे भूख लग गई थी। काम आज बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर ये ऑयल डूल गया है स्टैंड पर, क्योंकि पराठे बनाते बनाते हाथ लग गया तो वो ऑयल पूरा स्टैंड पर पूरा फैल गया है, उस वजह से अभी इसको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो पोछे से ही साफ़ करती थी, पर एक बार सर्फ वाले पोछे से करना, साबुन से करना पड़ेगा फिर पोछे से होगा। अब चलते हैं रूम में, अब आता है रेस्ट मोड, पूरे दिन की थकान और पूरे दिन का फ्री हो के अभी चिकू और हम दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं, जिसमें क्या होता है कि चिकू एडिट कर रहे होते हैं और मैं पास में बैठ के बातें कर रही होती हूँ, क्या सही है ना? खाया? नहीं नहीं मैंने खाया अभी, नहीं खाना अभी, तो खाना खाया मैंने, तो अभी मैं देख रही हूँ मेरे स्टूडियो के लिए मुझे अच्छा बैकग्राउंड डिसाइड करना है क्योंकि चिकू ने उनके हिसाब से बैकग्राउंड डिसाइड करके रखा है, जो कि अब मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कुछ कुछ ढूंढती हूँ। अभी मैं बैकग्राउंड के लिए सब देख रही हूँ पर अभी तक मैंने कुछ प्रॉपर डिसाइड नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्यों ना जाके लिया जाए, क्योंकि जो चीज़ अपन देखते हैं वो वैसी ना आए तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इमिडिएटली चाहिए तो जाके ही लेना सही रहेगा। और आज का ब्लॉग अगर देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हाँ सब्सक्राइब तो कर ही देना और लाइक भी कर देना। I wanna go.